हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये है पार्ट टू जिसमें हम आ चुके हैं कृष्ण संग्रहालय में, यानी कि कृष्ण भगवान के म्यूजियम में। इसमें है कृष्ण भगवान से रिलेटेड बहुत सारी मूर्तियाँ और बहुत कुछ ऐसा है जो उनसे रिलेटेड है। सब कुछ तो मैं शूट कर नहीं पाई क्योंकि बहुत बड़ा है ये, और ये सब पुरानी मूर्तियाँ, 200 साल 300 साल पुरानी सब मूर्तियाँ हैं यहाँ पे। शायद मे बी कृष्ण भगवान राधा ऐसे लगते होंगे, उनकी पेंटिंग है, चटाई पे बनी हुई है। बहुत सारी पेंटिंग्स थी यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर। और ये कठपुतली रूप में श्री कृष्ण और राधा जी हैं, और ये भागवत गीता है जो कि थोड़ी पुरानी है, और जगन्नाथपुरी की ये तीन मूर्तियाँ लगी हुई थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर उसके बाद ये कुछ झांकियाँ बनी हुई थी कृष्ण भगवान की लाइफ से रिलेटेड, जैसा कि आप देख सकते हो कि किसी में कंस मामा को मार रहे हैं, किसी में रास लीला कर रहे हैं, किसी में उनको वासुदेव भगवान लेके जा रहे हैं, और किसी में गोवर्धन उठा रहे थे बकासुर का वध कर रहे हैं, यहाँ पे माखन चुरा रहे हैं। और फिर यहाँ पे महाभारत से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी, देख सकते हो महाभारत से रिलेटेड यहाँ पे बनाई गई थी वॉल आर्ट्स, और उनके जो जो हुए हैं वो सब सब दिखाया है यहाँ पे। कुरुक्षेत्र बेसिकली फेमस ही वहाँ के युद्ध के लिए, तो फिर यहाँ पे सब चीज़ें उन्हीं से रिलेटेड हैं। यहाँ पे गीता से रिलेटेड है, महाभारत से रिलेटेड है, यहाँ पे जो भी है ये लाक्षाग्रह है। जिसने महाभारत देखी हुई पता हो ये द्रौपदी के स्वयंवर का है, और यहाँ पे शायद वो चौसर खेल रहे हैं ताकि वो हारे थे, और ये वो भूल भुलैया है यानी कि चक्रव्यूह अभिमन्यु के लिए जो रचा गया था, और बड़ी सी विष्णु भगवान की मूर्ति है, और इस भूल भुलैया में इसे घूम घूम के जाना होता है। और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वॉल आउट तो बनी हुई थी, बहुत ही सुंदर था ये म्यूजियम भी। और फिर उसके बाद ये था भीष्म की जी की मूर्ति, इसमें वो बाण शैया पे लेटे हुए थे। फिर उसके बाद हम गए थे ज्योति सर, यहाँ पे एक लेज़र शो था, वो तो हमने अटेंड किया नहीं, लेकिन वो बहुत ही सुंदर होता है। यहाँ पे ज्योति सर की ये मान्यता है कि ये जो पेड़ दिख रहा है ना, इसी पेड़ के नीचे कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था, और ये इस पेड़ ने उसको सुना तो ये अमर हो गया। इसका नाम है अक्षय वृक्ष। तो यहाँ पे वो रथ भी बना हुआ है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लेजर शो होता है, पूरी सुनाते हैं। अगली बार इसको जरूर विजिट करेंगे, बहुत ही प्यारा सीन था यहाँ का भी, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे वाइब्स आ रही थी। और यहाँ पे भी ऐसा ये बना हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ से नीचे उतर के जाओ तो कृष्ण भगवान की मूर्ति है, जिस जहाँ पे उनके सब रूप दिख रहे हैं। अर्जुन को सब रूप दिखाए गए थे कि भाई यही है, मैं सब एक ही भगवान है, कोई अलग नहीं है, मैं एक ही हूँ। तो आप देख सकते हो कि सब भगवानों की यहाँ पे फेसेस लगे हुए हैं उस मूर्ति में, वो बहुत बड़ी मूर्ति है। यहाँ पे भी लेज़र शो होता है, 20 मिनट यहाँ होता है, फिर 40 मिनट पीछे होता है। फिर हम गए थे एक मंदिर में जहाँ पे पहले ये शनि भगवान जी का मंदिर था, फिर और साथ ही में था भद्रकाली का मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध है, और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसकी भी अलग से मान्यता है, यहाँ पे घोड़े भेंट किए जाते हैं, किसी की कोई मान्यता पूरी होती है। पांडवों ने भी यहाँ पे घोड़े भेंट किए थे जब वो युद्ध जीते थे, तो यहाँ पे घोड़े भेंट करने की मान्यता है। फिर उसके बाद ये मूर्तियाँ, और ये है भद्रकाली माँ जिनके यहाँ पे लोग मन्नत मांगते हैं, और यहाँ पे साइड में ये मिरर वर्क किया हुआ था, और सब भगवानों के छोटे छोटे मंदिर से बना रखे हैं, जो कि मिरर वर्क इतना खूबसूरत लग रहा था तो इसलिए मैंने सबकी वीडियो बना ही ली। फिर थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो इस शेर के मुंह में घुस के एक मंदिर आता है, जो कि है माता की, वैष्णो माता की पिंडिया के मंदिर है यहाँ पे, और ये ऐसे है। और फिर दूसरी तरफ से निकलो तो फिर से शेर का मुँह होता है, और यहाँ पे ये शक्ति पीठ है बेसिकली। यहाँ पे सती माता का पैर कट के गिरा था, इसलिए एक शक्ति पीठ है, इसलिए यहाँ पे शिव पार्वती की ऐसी मूर्ति बनी हुई थी। फिर यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम खाने गए हवेली में। हवेली में तो सब कुछ मिलता है, जैसा आप कुछ भी खा सकते हो। और यहाँ का बाहर से ये ऐसे है, यहाँ पे चाटी वगैरह लगी हुई है, और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे, बस थोड़ी ठंड थी। और फिर उसके बाद बच्चों की टॉय ट्रेन लगी हुई थी, शॉपिंग का कुछ दे रखा था, खाओ पियो यहाँ पे, एंजॉय करो, डीजे तक लगे थे, डांस करो। फिर हम गए थे इस करनान हवेली में, यहाँ पे किसी की एंगेजमेंट चल रही थी, बीच में फिर बर्फे लगा हुआ था, और साइड में ये ऐसे टेबल है, यहाँ बैठ के आप कुछ भी ऑर्डर करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे सब लेजेंड्स की लगी हुई थी फोटोज़। और कुरुक्षेत्र में देखने वाली चीज़ें तो बहुत सारी है, लेकिन एक दिन में हम इतना ही कवर कर पाए,
सो नेक्स्ट टाइम फिर से विजिट करेंगे और फिर फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने के बाद कुछ खाया पिया, खाने पीने के बाद वहाँ का एम्बियंस देखा जो कि बहुत ही खूबसूरत था, मुझे तो बहुत ही पसंद आया और खाना भी काफ़ी टेस्टी था। और यहाँ पे हमने देखा क्या चल रहा है, फंक्शन है शायद किसी का, रोका हो रहा था। फिर वहाँ से बाहर निकलने के बाद हमने ये दिन बहुत ही अच्छा रहा। आई होप यू लाइक द वीडियो।